पूरा मीडिया है, पूरा हमारे संचार माध्यम जिसे हम कहेंगे, जो हमारी बातों को उठाकर दुनिया के सामने, जनता के सामने हमारी बातों को लेकर आता है, वो सारा का सारा बिका हुआ है। और ये बड़े शर्म की बात है, पिछले 10 सालों से बलात्कार का जो ग्राफ है वो बढ़ता गया है। ये अपने एजेंडे में फेल है, महिला सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, कुछ नहीं, ये सारी बिकी हुई है, मोदी गोदी मीडिया है। लोग बच्ची पैदा होने में डरते हैं, सोचते हम अपनी बच्ची क्यों पैदा करी। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज यहाँ संसद मार्ग पर जो आप देख रहे हैं, हम महिलाएं मौजूद हैं, एक्टिविस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर्स भी हैं। ये जो इनके हाथों में आप देख रहे हैं, महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाओ, तो ये उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन करने आई हैं। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रोशनी है, मैं वसंत कुंज मैरोली से आई हूँ। और आज निर्भया के जो केस को 16 दिसंबर को पूरे 10 वर्ष हुए हैं, और अभी भी अपराधों में बढ़ोतरी ही है, अपराध घट नहीं रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो अपराधों के बढ़ने के पीछे जो सजाएं हैं वो सही तरीके से दोषियों को नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं वो बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि किस तरीके की, मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए डायरेक्ट, या फिर फास्ट ट्रैक में भी जो है मैटर्स जाते हैं, इस तरीके के रेप्स होते हैं तो उसके लिए फास्ट ट्रैक में जाते हैं मैटर्स? देखिए बिल्कुल फास्ट ट्रैक में, जब से ये निर्भया का केस हुआ था, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बनाई गई थी जिसके अंतर्गत आप रेप केसेस हैं, महिलाओं के प्रति दुराचार है, उसको केसेस को फास्ट ट्रैक में करने के बाद जल्दी से सजा देने का जो प्रावधान था, उससे हमारा तो विश्वास उठ गया। किरण नेगी केस के बारे में मैं बताना चाहूँगी, छावला में एक केस था किरण नेगी का, जिसमें लोअर कोर्ट और द्वारिका कोर्ट हाई कोर्ट से सजा मिली थी मुजरिमों को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी पुलिस की गलती, दिल्ली पुलिस की गलती के कारण उन अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया। 10 साल तक उसके माँ बाप ने सुप्रीम कोर्ट के केसेस की खाक छानी, और उसके बाद उसकी बेटी के हत्यारों को, उसका रेप होता है, उसके साथ जघन्य अपराध होता है, उसके बाद उन अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो ये कानून की लचर व्यवस्था है, ये अपराधियों को बेखौफ अपराध करने की जो शक्ति प्रदान, मैं कहूँगी ये करती है, इसके खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरकार तो दावे वादे करती है कि इस तरीके के केस आते हैं हम तुरंत ही उस पर कार्रवाई करवाते हैं, तुरंत ही फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे मामले भी आए हैं, आप क्या मानती हैं कि जिनमें इस तरीके का मैटर हुआ, अभी हाल ही में 13 साल की बच्ची पे एसिड अटैक हुआ है ना, इस तरीके के केसों को छुपा दिया जाता है टीवी मीडिया में, अभी कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ अभी जो दीपिका पादुकोण की भगवा ड्रेस आई है उस पे चर्चा हो रही है। जी देखिए, ये तो जो पूरा मीडिया है, पूरा हमारे संचार माध्यम जिसे हम कहेंगे, जो हमारी बातों को उठाकर दुनिया के सामने, जनता के सामने हमारी बातों को लेकर आता है, वो सारा का सारा बिका हुआ है। आप जैसे चैनल और आप जैसे लोगों के माध्यम से ही हम लोगों की बातें समाज में दूसरे लोगों तक, छोटे छोटे अपराध जो हो रहे हैं, बड़े अपराध जो हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा संचार माध्यम दिल्ली, हमारी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा बिका हुआ है, लोगों की आवाज़ नहीं उठ रही है, और यही कारण है कि जो बड़ी से बड़ी घटना होती है, जघन्य अपराध होते हैं, वो दबा दिए जाते हैं और अपराधी बेखौफ घूमते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमा सिंह है। कहाँ से आए हैं? वैसे तो मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन अभी दिल्ली से मैं मालवीय नगर से आई हूँ। अभी जैसा मैम ने कहा कि ये टीवी मीडिया और ये सब इस तरीके का जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उस पर कोई रोक नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल थे, उनका पहला प्रथम एजेंडा महिला सुरक्षा था, जहाँ पर हरेक राजनीतिक दल इस मामले में फेल हुआ है, महिलाओं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है। आप वादे करते हो महिला सुरक्षा की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हो, और ये बड़े शर्म की बात है, पिछले 10 सालों से बलात्कार का जो ग्राफ है वो बढ़ता गया है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, उसमें उसके बहुत सारे रीज़न के आपराधिक मानसिकताओं के जो लोग हैं उनको कड़ी सज़ा नहीं दी जाती है, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, अगर उनको फांसी की सज़ा दी जाए तो दूसरा बंदा ये अपराध करने के लिए थोड़ा उसको सबक मिलेगा, वो ऐसे काम नहीं करेगा। हमारी कानून व्यवस्था जो लचर व्यवस्था है, और वह हमें बहुत ही ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे, बहुत ही शक्तिशाली कानून बनाने पड़ेंगे जिससे लोग डरें।
लेकिन अभी जैसे आप बता रही हैं तो महिला आयोग है, नेशनल NCW भी है और नेशनल ये भी है, महिला आयोग भी है, DCW भी है, तो इनके पास भी इस तरीके के केस आते हैं, तो ऐसा पहला कभी आयोग नहीं बना था लेकिन आ रहे हैं इनके पास, ये भी तो देख रहे हैं। देखिए ये आयोग जितने बने नाम मात्र के आयोग है, अगर ये आयोग काम अपना काम करते इतने आते, आज तक आपने देखा कोई महिला आयोग की मेंबर यहाँ पर आया है? क्यों? क्योंकि ये सब सरकार के, हमारा जो प्रशासन है, हमारी सरकार जो है, सब मिली भगत है इनकी, ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये काम नहीं करना चाहते हैं, ये कोई उचित कानून व्यवस्था नहीं बनाना चाहते, ये अपने एजेंडे में फेल है, महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, कुछ नहीं। लेकिन स्वाति मालीवाल तो अभी लास्ट में आई है, अभी स्वाति मालीवाल तो बैठी भी थी, वो तो 20-21 दिन हुआ है, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उसका भी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो तो बोलती है कि भैया ऐसे केस आते हैं और ऐसा आंकड़ा आया है, और महिला आयोग में पहली बार ऐसा हुआ है, महिला आयोग ही उस पे जाकर के सीधा धमक पड़ता है। हाँ। चाहे वो यूपी का केस हो, लेकिन NCW है जो वो नहीं देख रहा है, लेकिन DCW उसको देखता है, यूपी के केस हो, चाहे नोएडा हो, चाहे फरीदाबाद हो। देखिए केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, ये अपने राजनीतिक द्वेष में, राजनीतिक उसमें एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता है, और उसकी जो भी होती है उसका खामियाजा हमारे आम समाज को भुगतना पड़ता है। तो यानी ये दावे वादे करते हैं, महिला आयोग ऐसा खोला हुआ है 14 साल की जो बच्चे के साथ, मैडम कुछ नहीं, अगर ये ऐसा कुछ हुआ था तो आज हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे खड़े नहीं होते हैं। सेक्सुअल अब्यूज जैसे जो हैं धाराएं बनाई गई हैं, उस पर इस तरीके के कानून बनाए गए हैं, लेकिन आए दिन मैंने खुद ग्राफ चेक किया है, आए दिन ऐसी बच्चियों के साथ होता है। बिल्कुल, मैं आप देखिए जो मीडिया जो है, आप लोग हैं, आप लोग वहीं, आपने देखा कोई नेशनल वाले का मीडिया आया? कोई नहीं आया, क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ में क्यों बोलेंगे, और जितना भी है ये सारी बिकी हुई है, मोदी गोदी मीडिया है, वो नहीं हम मैटर को टेकअप नहीं करती है ना ही बोल। लेकिन प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्रांगण से तो बोलते हैं महिला इतना सुरक्षित है, महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो ये भी बोलते हैं कि बेटी पढ़ेगी, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कहाँ पढ़ रही है बेटी, बेटियाँ बचेंगी तब तो पढ़ेंगी, जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है। माँ बाप आजकल डरते हैं, लोग बच्ची पैदा होने में डरते हैं, सोचते हैं हम अपनी बच्ची क्यों पैदा करी, सारा दिन उनका चौकीदारी में रहता है कि बच्चा स्कूल से आया या नहीं आया, खाया या नहीं खाया, है गली के बाहर से निकले तो वो देखती, माँ देखती है, तो हम ऐसे आतंक और भय के समाज में रह रहे हैं। जैसा अभी मैम ने बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है, मैं उत्तराखंड से हूँ और अभी मैं दिल्ली राजनगर में रहती हूँ। अच्छा, मैम ने बताया कि जिस तरीके से चौकीदारी करनी पड़ती है बच्चों के पीछे, बेटी अगर रात में नहीं आए, सर्दी का टाइम है, चाहे वो रात का 6 बजे ही हो, तो घबराहट तो होने लगती है माता पिता को, लेकिन क्या दिल्ली में भी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जैसे यूपी में है? योगी जी तो बोलते हैं वहाँ गहना पहन के रात के 12 बजे भी महिलाएं सुरक्षित हैं, निकल पड़ती हैं। ये गलत कह रहे हैं, घबराहट तो होती है, जैसे बच्चियां थोड़ा सा लेट होती हैं तो हर माँ बाप को घबराहट होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा केस हो गए दिल्ली में भी, आपने देखा होगा छावला केस की लड़की भी जो आई थी, वो भी ड्यूटी करके आई थी, वो कहीं घूमने फिरने तो गई नहीं थी, वो भी अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए ड्यूटी गई थी, तो उस केस में भी यही हुआ, इन्होंने ड्यूटी से आ रही थी तो इन्होंने उसका मतलब अपहरण करा, उसके बाद इसको बलात्कार करा, फिर हत्या कर दी उन्होंने। आज वो छावला केस के तीनों अपराधी छूट गए, लोअर कोर्ट ने उनको फांसी दी थी, हाई कोर्ट ने फांसी दी थी, सुप्रीम कोर्ट से वो छूट गए, तो इस तरह के अपराध करने वाले छूटेंगे तो भाई यही होगा। अच्छा, अभी जैसे महिलाओं की आप रेप की बात बता रही है, लेकिन जिनके साथ गलत होता है उन्हीं को ही गलत ठहरा दिया जाता है, जैसे निर्भया केस में हुआ था, वो अपने दोस्त के साथ थी, मूवी देखकर आ रही थी, 8 बजे का समय था, तो उसी के ऊपर ही आरोप लगा दिए गए कि भैया बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, क्यों घूम रही है, कपड़ा पहन लिया तो कपड़ा छोटा क्यों पहन रही है, यानी इस तरीके की मानसिकता कब खत्म होगी, जो मतलब उन्हीं पे ही आरोप लगा देते हैं। मानसिकता भी वही नेता लोग कर रहे हैं जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्हीं की ये मानसिकता है, उन्हीं के मंत्रियों की ये मानसिकता है, बाकी आम पब्लिक की तो ये मानसिकता नहीं है। यदि आम पब्लिक की ये मानसिकता रहती तो लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते, निर्भया केस तक यहाँ तक जो उनका फांसी मिली तो पब्लिक ने उसका अंजाम दिलाया है, जो छावला केस में भी पब्लिक ने दिलाया, अभी अंकिता भंडारी का केस है वो आधे में लटका है,
तो इसी तरह इन्हीं मतलब जो नेता हैं लोग हैं इन्हीं की मानसिकता वो। क्या आप ये मानती हैं कि ये कोर्ट और न्यायालय जो है किसी की कठपुतली बन चुके हैं? ये सब आप जानते हो, मीडिया हुआ या कोर्ट हुआ या न्यायालय जो भी है सब इनके अधीन चल रहे हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है? इनके अधीन नहीं चलते, एक इनके अधीन नहीं चलते तो दो कोर्टों से छावला केस में किरण नेगी के हत्यारों को फांसी हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा क्या बना कि जो सुप्रीम कोर्ट से वो छूट गए? यानी इनकी क्या मिली भगत है? सब मिली भगत है, बिना मिली भगत का कुछ नहीं हो रहा है। यदि बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही। जब तक सरकारें ठीक नहीं होंगी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। हमें देखो, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह सरकार है। ना तो ये कानून व्यवस्था को सही करती है, ना ही महिला सुरक्षा देती है और अपराधियों को शह देती है। मैम ये कहाँ तक सही है? मैंने अभी मैम से भी पूछा कि कपड़ों पर ये पहनावे पर इस तरीके के लग जाते हैं, लेकिन वो जो छोटी बच्ची हो, महीने भर की बच्ची होती है, उसके साथ रेप हो जाता है, वो क्या कपड़े पहनते हैं? वो क्या कपड़े, यही तो सरकार को सोच रहे हैं। ये जो तर्क देते हैं कि छोटे कपड़े होने थे, अगर सही है, बिल्कुल गलत है। जिसकी मानसिकता आपराधिक मानसिकता का आदमी, जिसकी अपराध मानसिकता है, वो ये थोड़ा ना सोचेगा। आज हमारे देश में ना तो 3 साल की बच्ची, ना 30 साल की, ना 60 साल की, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप जब तक हमारे समाज में लड़कों को, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको भी अपनी सोच पे बदलाव लाना पड़ेगा। और साथ ही अगर वो अपनी सोच पे बदलाव आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने दोस्तों और समाज के लोगों को कहें कि आप अपनी सोच में बदलाव लाएं। अगर आपका नज़रिया आपकी बहन के प्रति अच्छा है तो दूसरे बहन के प्रति भी अच्छा होना चाहिए। ये जो युवा है, जो युवा वर्ग है, सबसे ज़्यादा यही ऐसा वर्ग है जो रेप करता है, क्या इनको ऐसा कुछ परोसा जा रहा है या ऐसा कुछ उससे, जिससे कि इनकी अंदर की, जिस तरीके की मैं एक सेक्सुअली उसकी बात कर रही हूँ? देखिए नहीं, मैं तो इस मामले में नहीं कहूँगी, कुछ हद तक जहाँ मेरा ही अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कुछ हद तक जो वो मीडिया में जो ऐसी मूवीज आती हैं उसको देखकर भी होता भी आती है। मैम इस तरीके का ब्लू फिल्म्स की मैं बात कह रहा हूँ, ब्लू फिल्म्स भी होती है, सरकार को क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? इन पर बैन लगना चाहिए, इन पर बैन लगना चाहिए। और जी अभी मैं यही बात कर रही थी कि जिस तरीके का ये मटेरियल परोसा जाता है अश्लील, तो ये सरकार को इस पे नहीं देखना चाहिए कि भाई इस तरीके की वल्गैरिटी फैल रही है समाज में? 17 से 18 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल होते हैं, कुछ भी खुल जाता है। देखिए कुछ ना कुछ तो सरकार को ना ये कानून बनाना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं 18 साल का बच्चा जब होगा वो इलेक्शन वोटिंग कर सकता है, ऐसे ही मैं कहती हूँ कुछ ऐसे हैं, कुछ हमारे मतलब घर से भी हमने बच्चों को, यंगस्टर्स को ये संस्कार देने चाहिए कि आप दूसरी बेटी को भी अपनी बहन की तरह समझो, अच्छी उसकी तरह नजर रखो। और जैसे मोबाइल को लेकर भी आपने कहा, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। ब्लू पिक्चरें वो भी सबसे ज़्यादा कारण है, अश्लील जो पिक्चरें आती हैं वो भी है, और जितना भी जो मीडिया उससे भी लेकर उससे फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं ऐसा नहीं है, उससे भी बहुत कुछ होना चाहिए। मैं उसमें यह है कि आप कुछ कट कीजिए उसमें, आप थोड़ा, पहले भी तो आती थी पिक्चरें और पहले भी ऐसा होता था लेकिन वो नहीं आता था, लेकिन आज तो जरा सा कोई अपनी मोटरसाइकिल से भी जा रहा है तो रील बन रही है, जो हो रहा है पता चल रहा है। आप परसों ही देखिए, रील बनाते बनाते यूपी में 3 लोगों कट गए। तो ये इन सब चीजों में मेरे हिसाब से थोड़ा सा बैन होना चाहिए। तो ये कुंठित मानसिकता वाले युवा भी हैं जो इस तरीके बिल्कुल देखिए कुंठित मानसिकता वाले युवा हैं, तभी तो ये हो रहा है। लेकिन आप इतनी भीड़ में पहचान नहीं पा रहे, हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि भी कौन है, क्या करना है सरकार को। और एक देख रेख के लिए आप ऐसे कोई सिक्योरिटी गार्ड रखें, आप रात को मतलब अपने वहाँ पर सिक्योरिटी रखें, और ऐसी मानसिकता के लोगों को आप पहचानें, उनको काउंसलिंग करें, अगर जो मिलते होंगे काउंसलिंग करें उनकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि आज 16 दिसंबर है निर्भया का, जो मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दुख होता है जब ऐसी बेटियों के साथ इस तरीके की भर्सना, इस तरीके का भयावह कृत्य होता है, तो उससे दिल दुखता है। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और रात में मेरा भी काम ऐसा है कि रातों में घर जाना पड़ता है, लेकिन इससे दिल दुखता है कि आखिर सरकारें इस पर क्या काम कर रही हैं, सरकारें आखिर इस पर क्या, उनकी जवाबदेही क्या है कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरीके के रेप हो जाते हैं। अगर वो 7 बजे भी घरों से बाहर होती हैं अपने काम के चलते, तो उनके साथ इस तरीके का घटना घट जाती है, और उस पर सरकारें, पुलिस, न्यायालय
क्या करते हैं, क्या उन्हें इस तरीके के कड़े कानून नहीं बनाने चाहिए, क्यों वो आरोपी छूट जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। क्या महिला सुरक्षा बहुत छोटा मुद्दा हो गया है, क्या महिला सुरक्षा बहुत छोटा मुद्दा है? जिस तरीके से यूपी में घटनाएं घटती हैं, वैसा ही दिल्ली भी अब कैपिटल बनता जा रहा है और बन चुका है। जहां मुंबई को बताया जाता था फिल्मी दुनिया है, वहां पर छोटे कपड़े पहने जाते हैं, क्या इसके पीछे का जो बताया जाता है कि कपड़े छोटे पहनना, लेकिन उन छोटी बच्चियों का क्या होगा? वो छोटी बच्ची कौन से कपड़े पहनती है जो इनके साथ इस तरीके का घटना घट जाती है और इस तरीके की उनके साथ घटनाएं होती हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा चंद्रमंतर, दिल्ली।